पैसा खूब है यहाँ, खूब पैसा है, तभी तो मोटा पैसा देख के आते हैं। 60 रुपए में अपने घर ले जा सकते हैं और डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं, काफी सुंदर है। होता है, थोड़ा बहुत होता है, सही रहता है। लोग तो कहता है कि बिहार गरीब, अरे बिहार में जो घुसेगा वही तो पाएगा। बढ़िया सेलिंग होता, बहुत लोग लेते हैं, पटना ऐसा शहर नहीं मिलेगा। अभी तो दुकान लगाए, बिक्री होवे करता है। पहला दिन, हर साल आती, हर साल आते। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ काव्या। आज हम पटना के सड़कों पर हैं और हमारे पीछे देख के आप समझ सकते होंगे कि हम दिवाली की शॉपिंग का वीडियो जो है वो बनाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि अलग अलग वैरायटी के ये झालर हैं। कुछ ही दिन बाद दीपावली है, महिलाओं को कहीं ना कहीं, लड़कियों को ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी काफ़ी पसंद होता है, वो भी काफ़ी सारा कलेक्शन है यहाँ पे। एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। तो दीपावली करीब आ रहा है, आपको भी अगर शॉपिंग करना है तो लोकेशन है पटना हाईकोर्ट के सामने, पटना विमेंस कॉलेज है और यहाँ पे आप आके खूब सारा दिवाली का शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे झालर वगैरह है, घरों में लोग लगाते हैं, हर साल चेंज करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से आई हैं। अच्छा, हर साल आती हैं यहाँ पे? हर साल आते हैं। कितने का है ये सब झालर वगैरह, एक बार कीमत बता दें? ये 250 का भी है, 200 का, 300 का। अच्छा, हाँ, इस रेंज में। हाँ जी, हर साल यहाँ पे आती हैं राजस्थान से, पटना में मार्केट लगा के बेचती हैं ना? हाँ जी। चलिए, ऐसे के साथ हम आगे भी बढ़ेंगे और जानेंगे, दिया के दुकान पे भी ले जाएंगे। आगे बढ़ते के साथ ही आपको साइड में फुट मैट वगैरह के जो शॉप हैं वो लगे हुए हैं। ये हर साल पटना वुमेंस कॉलेज के सामने जो है ये मार्केट लगता है और लोग खूब खरीदारी करते हैं यहाँ पे। और इसी में ये मैट्स की दुकान है, हम इनसे भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, जानते हैं कि क्या क्या कीमत है, क्या है रेंज। हाँ बताइए। हो भाई साहब, हाँ आप भी बता दीजिए क्या रेट है इसका। ये 350 का है, ये सब 400, 500, 600 ऐसे का है। सारे रेट का है। हाँ। सबसे कम प्राइस? सबसे कम प्राइस 150 रुपया का है ये वाले। 150 का? जी जी, दो गो। और सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा में ये वाला आएगा 500-600 के आएगा ये सब। 500-600? जी जी। हर साल यही लगाते मैडम? बिक्री होता होगा? होता है, थोड़ा बहुत होता है, सही रहता है, लेकिन लगाते हैं तो सही रहता है। चलिए, दिवाली का टाइम है, ये लोग भी, इन्होंने अपने मैट्स के, फुट मैट्स के प्राइस भी बताए हैं। और इसी के साथ धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जितना दुकान हो सके हम उसको कवर भी करेंगे। और यहाँ पे सुंदर सुंदर चिन्नी मिट्टी के जो हैं वो दिए हैं, देखिए काफ़ी सुंदर दिए हैं ये, जिसमें आप भगवान को दिया जलाएंगे। पीतल के बर्तन हैं ऊपर, ये सारे पीतल के बर्तन हैं, भगवान के पूजा किया जाता है इनमें। ये सारे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इधर पीतल का कछुआ वगैरह जो गुड लक के लिए होता है, वो सारी चीज़ें हैं। कटोरी है जिसमें भगवान को आप भोग लगाते हैं। और इसी के साथ हम आगे भी बढ़ेंगे और भी दुकान पे आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे कि अलग अलग दुकानों पे क्या क्या वैरायटी है, क्या कुछ इस बार नया आया है, फूल में, झालर में, भगवान की मूर्ति में, दिया में, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये अगला दुकान जो है आप देख सकते होंगे, यहाँ पे पूजा की सारी सामग्री मिल रही है, चाहे वो कसेली हो, हल्दी हो, भगवान के कपड़े हो, माला हो, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। ये छोटे छोटे जो कौड़ी होता है जो भगवान को चढ़ाया जाता है, धनिया भी है, चावल भी है। तो मतलब आप यहाँ आएँ और एक बार में सारा दिवाली के दिन की पूजा की शॉपिंग भी कर सकते हैं, घर को सजाने के लिए झालर भी खरीद सकते हैं, गेट के नीचे लगाने के लिए फुट मैट भी ले सकते हैं। तो ये सारे दुकान यहाँ पे लगे हुए हैं। अब धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको दुकानों के बारे में। आप सामने भी देख सकते होंगे डेकोरेशन के काफ़ी सुंदर सुंदर झालर है, जो लोग अपने गेट के पास तोरण द्वार बना के लगाते हैं। स्टिकर्स हो माँ लक्ष्मी के पैर के, स्वास्तिक का हो, गणेश भगवान का हो, सारे स्टिकर्स जो हैं वो हैं। और अब यहाँ आ जाइए आप, ये रंग बिरंगे फूल जो हैं, लोग हम अपने घरों में डेकोरेशन के लिए इसको रखते हैं। और इसका भी हम प्राइस आपको बताएंगे इस वीडियो में और जानेंगे क्या है प्राइस इस फूल सबका। अलग अलग का अलग अलग प्राइस है, छोटा बड़ा साइज है। छोटा बड़ा कैसे है?
जैसे कि ये 150 का आ सकता है, ये फूल आप 150 में अपने घर ले जा सकते हैं, है ना। और बाकी बताइए, बाकी ये 60 रुपए का है, 60 रुपए। ओके, ये भी 60 का ही आ जाएगा। अच्छा, इसका जोड़ा ये 60 का, तो ये फूल आप 60 रुपए में अपने घर ले जा सकते हैं और डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं। काफी सुंदर है, ऑरेंज फूल है और ये सारे आर्टिफिशियल पत्ते हैं। चलिए ये पकड़िए आप अपना, हम और भी आगे बढ़ेंगे। काफी भीड़ है यहाँ पे, लोग शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि दीपावली अब काफी करीब है। आज 27 अक्टूबर हो गया है और 31 तारीख को जो है दीपावली मनाए जाएंगे। और ये सोफ़ा कवर वगैरह है, ये भी जान लेते हैं, अमूमन लोग सोफ़ा कवर वगैरह भी चेंज करते हैं, क्या प्राइस का है? सोफ़ा 1800 का है, 1500 का है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम शाहजहाँपुर से। जी शाहजहाँपुर। कौन सा जिला? शाहजहाँपुर जिला, यूपी। यूपी से आए? हाँ। कहाँ से आए बताइए हमको? गुजरात से। गुजरात से आए हैं, मोदी जी का राज्य है ना? हाँ है। बेचने हर साल आते हैं, 4-5 साल से आते हैं। 4-5 साल बढ़िया सेलिंग होता है, बहुत लोग लेते हैं यहाँ। बढ़िया सेलिंग होता है, मतलब कमाई अच्छी होती है पटना। हाँ जबरदस्त, पटना ऐसा शहर नहीं मिलेगा। क्या बात करें, गुजरात से आके बोल रहे पटना ऐसा शहर नहीं। हाँ अच्छा शहर है, अच्छा शहर, पैसा खूब है यहाँ। खूब पैसा है, तभी तो मोटा पैसा देख के आते हैं। क्या बात करें, लोग तो कहता है कि बिहार गरीब राज्य है। अरे बिहार में जो घुसेगा वही तो पाएगा। क्या बात, मतलब दिवाली की शॉपिंग के थ्रू बहुत लोग आते लेने के लिए। चलिए काफी लोग आते हैं, इन भाई साहब से भी आप मिले हैं, किस तरीके से हमारे बिहार और पटना की तारीफ करते हुए नजर आए हैं, आप वीडियो में भी देखते हैं। और इसी के साथ ये अगला दुकान जहाँ रंगोली के सामान मिल रहे हैं, चाहे वो रंगोली का कलर हो या फिर अलग अलग, यहाँ पे भी झालर लगे हुए हैं। और यहाँ पे मेरे बगल में आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, यहाँ पे काफ़ी सारे जो लड़कियाँ जो हैं वो पहनती हैं, लड़कियाँ महिलाएं खूब पसंद करती हैं। ये अलग अलग ज्वेलरी हैं, आप देख सकते होंगे, इसके लिए बैंगल्स भी है इधर, ये गले में पहनने के लिए है, काफ़ी सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे। तो जिन लड़कियों को इस दिवाली ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनने का मूड कर रहा हो वो यहाँ आके अच्छा खासा शॉपिंग कर सकती हैं। फिर अगला ये सुंदर सुंदर झालर हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो यूपी से आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं ये लोग, और हर साल यहाँ आते हैं और अपने दुकान लगा के सारी चीज़ें बेचते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब हम दिए के दुकान पे जो है आ चुके हैं। यहाँ ये चुक्का भी है, भगवान को धूप दिखाने के लिए भी धूपदानी कहते हैं इसे। इधर कैंडल्स हैं रंग बिरंगे और दिया वगैरह भी मिल रहा है। और पूरे के पूरा जो बेली रोड जो है, आप कह सकते हैं कि दोनों साइड जिस तरीके से ये झालर वगैरह के दुकान लगे हैं और लोग भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अब टाइम तो बचा नहीं है दीपावली का, शॉपिंग जल्दी जल्दी करनी है। और इसी के लिए ये प्यारे प्यारे झालर जो है आप देख सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं और अपने घर को अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं। दिवाली दिए कैसे दे रही है? 20 रुपये पीस दे रहे हैं। 20 रुपये का ये बड़ा वाला? बड़ा वाला। और छोटा वाला? 2 रुपये पीस। 2 रुपये का एक दिया? एक दिया। चलिए कहाँ से आई? पटना से। दीदारगंज से? दीदारगंज से। दीदारगंज से आई है। बिक्री हो रहा है दिवाली? अभी तो दुकान लगाया, बिक्री होवे करता है। आज पहला दिन? पहला दिन है। चलिए बिक्री होता है। और इधर मिट्टी के दिए हैं, ये हमारे बिहार दीदारगंज से ही हैं। इधर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कालीन का एक और दुकान है। और ये तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे, ये आर्टिफिशियल लाइट्स हैं जो आप अपने घर में लगाते हैं दिवाली के दिन, काफ़ी अच्छा दिखता है। ये फूल का जो है वो फूल की लड़ियाँ हैं आर्टिफिशियल। और इसी के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप भीड़ भी देख सकते होंगे। ये ऊपर शुभ दीपावली शुभ लाभ का जो ये सिंबल है, लोग अपने घरों में टांगते हैं। और ये भी है सुंदर सा, इधर आप अगर आ जाए तो भगवान के कपड़े और जो सिंहासन हम बनाते हैं वो भगवान के बैठकी के लिए, बैठाने के लिए, रखने के लिए, वो ये कलश और नारियल वाला आर्टिफिशियल ये फ्लावर्स हैं, ये काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। इधर अगर आप इस साइड छोटे छोटे चिन्नी मिट्टी के जो है ये भगवान बने हुए हैं, चाहे वो ये छोटे छोटे हाथी हो, कछुआ हो, कृष्ण भगवान हो, हनुमान जी हो, गणेश जी हो, सभी की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, लोग अपने घरों में रखते हैं टेबल पे, अपने बेडरूम को सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए।
तो चलिए हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल पेपर वाला रंगोली है। आप देख सकते होंगे रंगोली बनाया गया है, लक्ष्मी माँ के छोटे छोटे जो पैर होते हैं, ओम लिखा हुआ है, शुभ लाभ, दीपावली वगैरह, ये सारी चीज़ हम चिपकाते हैं अपने घरों पे। भगवान के कपड़े हैं और इस तरीके से एक लाइन से आप पूरा दुकान जो है वो लगा हुआ है। साथ ही हम अगले दुकान पे आपको ले चलेंगे जहाँ पे रंगोली का सामान मिल रहा है, चाहे वो कलर्स हो, उसका सांचा हो, जो बड़ी आसानी से 2 मिनट में फटाफट आप रंगोली जो है वो तैयार कर लेते हैं। ये सांचा भी मिल रहा है, अलग अलग कलर्स मिल रहे हैं आपको। आप ये भी देन ये अगला स्टॉल और अगला ये आप ये फ्लावर्स है, इसको आप पानी में भिगो कर इस तरीके का बना सकते हैं डेकोरेशन के लिए। ये सारे चीज़ें जो हैं वो यूज होती हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं माँ लक्ष्मी जो है वो उल्लू पे सवार हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, माँ गणेश भगवान चूहे पे हैं, माँ लक्ष्मी की उल्लू सवारी है उस पे भी, और छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर हैं, ऊपर रंग बिरंगी हैं, ये मिट्टी के बने हुए मूर्तियाँ हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अगले दुकान पर हम आपको लाए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे डलिया में जो है चुक्का वगैरह मिल रहा है, लड़कियाँ घरौंदा बनाती हैं उसमें फरही से यानी मूढ़ी से जो है भगवान की पूजा की जाती है। घरौंदे काफ़ी सुंदर सुंदर हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला घरौंदा है। और साथ ही में ये छोटे छोटे बर्तन हैं, ग्लास है, पतीला है, सुराही है, ये सारी चीज़ें हैं आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दिवाली को लेकर पूरा मार्केट जो है वो सज चुका है, तैयार है, और लोगों की भीड़ तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की भीड़ जो है वो लगी हुई है। लोग खूब शॉपिंग कर रहे हैं, खूब शॉपिंग कर रहे हैं। जी जी, बहुत शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग हो चुका अभी तक? अभी तक चादर ले लिए घर के लिए, और टांगने के लिए शुभ लाभ ले लिए हैं, गोल ले लिए हैं कि वेलकम वाला होगा, दिए ले लिए, भगवान जी ले लिए, आइडल ले लिए। अच्छा। तो शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और दिवाली को लेकर मार्केट सज चुका है, लोगों में भी खूब उत्साह है और खूब शॉपिंग हो रहे हैं। और आप भी आइए, अगर आप तक आप शॉपिंग नहीं किए हैं तो खूब खरीदिए और हैप्पी दिवाली कीजिए अपना। फिलहाल के लिए इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।